बेटी छोटी है, वो भी मजदूर है, बेटा बड़ा है, वो भी मजदूर है। आपका खावन फौत हो गया एक्सीडेंट में, और एक्सीडेंट हुआ था, आपका खावन फौत हो गया था। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आप बता रहे? पांच बच्चे। आपके पांच बच्चे हैं, और पांच बच्चों में से माजूर हैं कोई? दो बच्चे माजूर हैं मेरे में, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। तो भाजी आप कैसे अपना गुजारा करते हैं, कैसे निजाम चलाते हैं घर? मैं बस मेहनत मजदूरी करके करती हूँ काम। अच्छा, फिर जो गुजारा होता है, पहले तो हो जाता था लेकिन अब नहीं होता, इतना महंगा ये काम बहुत ज्यादा होता है घर का, कर नहीं सकती, ऑपरेशन की मरीज हूँ, काम नहीं कर सकती, बस मजबूरी है करती हूँ। बेटी मेरी ये तब बेवा है। अच्छा। तो अच्छी बेटी मकसद आखिरी बेटी है, उनका घर वाला फौत ठीक है, दाने नहीं खाया। आप भी बेवा है जी? आपकी बेटी भी बेवा है जी? जी। अच्छा, आपका एक और बेटा है जो फालिज का मरीज है जी? यही कह रहे हैं, राजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने दिया है अल्लाह उन्हें बहुत दे, उन्हें उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने आपके लिए इंतजाम किया। आपका खावन जेल में है और उसको सजाए मौत हो गई है। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? चार बच्चे, और आप राशन लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कह रहे हैं मेरी बहन? आपका खावन फौत हो गया है, बच्चे पढ़ाते थे मेरी बहन, आपको यहाँ क्या हुआ, इस फेस पे क्या हुआ? सड़ियाँ तो रहते, अब जल गई थी और पूरी ये पूरी साइड जल गई है। तो आपके बच्चे कितने हैं मेरी बहन? चार फैमिली मेंबर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दिन अपनी वो बहनें जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, नीडी फैमिलीज़ हैं, आज 35 ख़ानदान को इनवाइट किया गया है, और आज जैसे पहले हम राशन दिया करते हैं मंथली बेस पे, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ भी अपने वो 35 ख़ानदान जो इंतहाई मुस्तहिक हैं, नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तक राशन पहुंचाया गया। आज का ये राशन मेरी प्यारी माँ जो कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तरफ से है, और हर मंथ वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इन बेटियों के बारे में सोचते हैं, अपने वो ख़ानदान जिनका कोई है ही नहीं। अज़ीज़े किराम, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह की महंगाई है आजकल, जिस तरह की महंगाई है पूरी दुनिया में महंगाई है, और बिलखसूस पाकिस्तान में वो ख़ास तबका जिसका कोई कमाने वाला नहीं होता, तो उसके हालात बहुत ख़राब हैं। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये चीज़ें मेरे उन बहन भाइयों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं जो बेचारे, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, या कमाने वाला होता है तो वो चारपाई पर पड़ा होता है, डिसेबल होता है। तो ज़रा सोचें कि जिस घर में कमाने वाले अफराद दो या तीन लोग कमा के भी उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो ज़रा इस साइड पे हम तसव्वुर करें कि जिस घर में कमाने वाला शख्स ही नहीं होगा तो उनके हालात किस तरह के होंगे। तो इन लोगों का एहसास करते हुए जितना हम कर सकते हैं, वैसे तो अल्लाह सुबहाना ताला ही अपने बंदों के मसाइल हल कर सकते हैं, हम इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और हमारी ये कोशिश पहले भी थी, आज भी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में रहेगी कि वो लोग हमारे बहन भाई जो मुश्किलात की ज़िंदगी से दो चार हैं, मुश्किलात भरी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगियों में जो आसानियां हम पैदा कर सकते हैं, जितनी अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक देता है, जितनी ताकत दी है, और ये अपने नसीब का वो चीज़ें लेके जा रहे हैं जो अल्लाह सुबहाना ताला ने इनके नसीब में लिखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अपने उन प्यारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको इनक्रेज करता हूँ कि आप लोगों ने इतना थिंक किया। आप लोगों से जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि हम अपने इन बच्चों के बारे में, इन बेटियों के बारे में, इन फैमिलीज़ के बारे में बहुत परेशान हैं। होना भी चाहिए कि जब इस तरह के दर्द दिल रखने वाले लोग अपने आसपास वालों का, जब इस तरह के हालात नज़र आएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह सुबहाना ताला भी बहुत खुश होते हैं अपने बंदों से। ये सबसे बड़ी जो बात है, एहसास की बात है, अपने से नीचे तबके को देखने वाली जो बात है,
कि जब अल्लाह ताला आपको और हम सबको जब नेमते नवाजते हैं, हम अपने आस पासों वालों का ख्याल रखते हैं, अपने से उस तबके का ख्याल रखते हैं जिसको अल्लाह ताला ने इन नेमतों से महरूम किया हुआ है, जो इन तकलीफ में है। तो अल्लाह ताला मेरे उन प्यारों को जजाए खैर अता फरमाए जो हम वक्त इनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल जैसे हम पहले करते थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 खानदान तक आपका राशन पहुंचा दिया गया है। राशन में वही चीज़ें जैसे हम पहले देते थे, बेशक महंगाई बढ़ चुकी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में कोई कमी नहीं है, वही स्टैंडर्ड वही मेयार रखा गया है। और इंशाल्लाह मेरी ये बहनें, हमारी बहनें ये लेके जाएंगी और घरों में इस्तेमाल करेंगी, अल्लाह ताला आपको इसका रिवार्ड देंगे। अल्लाह सुबहाना ताला अपने बंदों को उसी टाइम रिवार्ड दे देते हैं कि जब आप लोग एक नीयत करते हैं कि मैंने अपने बहनों का, अपने भाइयों का, अपने परेशान हाल तबके के ख्याल रखते हुए जब हम कुछ ना कुछ उन पर स्पेंड करते हैं, ये इन लोगों का हक है जो आप लोगों ने अदा कर दिया है। और अल्लाह ताला अपने जो आपसे जो वादा है कि मेरे बंदों पर जो खर्च करता है, जो मेरी रज़ा की खातिर खर्च करता है, अल्लाह ताला उससे बढ़ चढ़ कर विद इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रिवार्ड अता करेंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है, जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है, खुदारा अपने आस पास देखें, अपने साथ वाले घर में देखें, कोई ऐसी फैमिली जो जिनके यतीम बच्चे हों, जो मुस्तहक फैमिली हो, और हो सकता है उसके बच्चे भूखे सो रहे, तो हमारे पास नेमते हैं तो बांट कर इस्तेमाल करें। मेरा आप सबके लिए मैसेज यही है, ज़रूरी नहीं कि आप एज फॉर ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े रहें, सिर्फ इतना कर दीजिए, वो हमारा काम उस टाइम फाइनल हो जाएगा। मैं समझूंगा कि हमारा जो मैसेज है वो काम कर गया जब आप अपने आसपास वालों को देखेंगे, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखेंगे कि कौन से वो लोग हैं जो इस तरह के हालात से दो चार हैं। महंगाई की लपेट ने पूरी दुनिया को अपनी उसमें लपेट में रखा हुआ है और महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। और याद रखिए, इस वक्त जिस तरह की महंगाई है, इस टाइम क्राइम भी बढ़ेंगे और बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे, जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए और सोचना चाहिए। तो ये ज़रूर बाज़ परस होगी, पूछा जाएगा, हम सबसे पूछा जाएगा कि जब हमारा हमसाया भूखा हो और हमारे बच्चे पेट भर के सो रहे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सब का दिया अल्लाह सुबहाना ताला अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।